नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज पूरा देश टीचर्स डे मना रहा है और ऐसी ही एक टीचर से आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो कुछ बच्चों के लिए मसीहा से, वरदान से कम नहीं है। ये महिला गरीब मजदूर बच्चों के लिए मसीहा हैं। अच्छी पढ़ाई और जीवन कौन नहीं चाहता है, लेकिन ये हर किसी के नसीब में कहाँ है। हमारे देश में कई ऐसे बच्चे हैं जो अभावों के चलते स्कूल नहीं जा पाते, यहाँ तक कि अपना पेट पालने के लिए मजदूरी तक करनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ बच्चों पर एक दिन अचानक रेखा सक्सेना नाम की महिला की नज़र पड़ गई। बच्चों के हाल देख उनका मन पसीज गया। उन्होंने बच्चों के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि बच्चों के माँ बाप नहीं हैं। बस स्टैंड पर रहने वाले बच्चों के माँ बाप उन्हें दुनिया में संघर्ष करने के लिए अकेले छोड़ गए हैं। ऐसे में रेखा जी ने इन बच्चों को अपनी ममता की छांव दी, उन्हें जिंदगी के संघर्ष के लिए नया सहारा दिया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, मैं रेखा सक्सेना। मैं आपको इन बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं इन बच्चों के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी अचानक इन बच्चों से मुलाकात हुई और मुझे पता चला कि ये लोग पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने इनको, ये बस स्टॉप पर रहते हैं और यही इनका घर है, यही इनका सोना उठना बैठना है। ये लोग, इनके पेरेंट्स नहीं हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और अभावों के कारण ये पढ़ भी नहीं पा रहे थे। रेखा जी को ये पता चला कि बच्चों के माता पिता नहीं हैं और ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने इस बस स्टैंड को ही पाठशाला बना दिया। ये बस स्टैंड बच्चों के भविष्य की बुनियाद तय करने के लिए एक छोटा सा स्कूल बन गया है। बच्चों के लिए रेखा जी पेरेंट्स और गार्जियन से कम नहीं हैं, बच्चे भी इनसे घुल मिल गए हैं। रेखा जी भी बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाती हैं और इनकी मेहनत का ही नतीजा है। जो बच्चे स्लेट भी पकड़ना नहीं जानते थे, आज वो पढ़ना लिखना भी सीख रहे हैं। ये लोग, इनके पेरेंट्स नहीं हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और अभावों के कारण ये पढ़ भी नहीं पा रहे थे, तो मैंने इनको पढ़ाना शुरू करा और आज, और मैंने इनका एडमिशन भी तपोवन स्कूल में करवा दिया है। रेखा जी ने जब इन बच्चों की मेहनत और लगन देखी तो सभी 6 बच्चों का एडमिशन गाजियाबाद के ही तपोवन स्कूल में करा दिया। यहाँ तक कि हर बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी यही वहन कर रही है। यहाँ तक कि इन बच्चों के लिए कपड़े, बैग, कॉपी किताबों का इंतज़ाम भी इन्होंने ही किया है। इन मासूम बच्चों की आंखों में आने वाले भविष्य को लेकर अब तक कोई सपना भी नहीं था, लेकिन अब ये बच्चे सपने भी देखते हैं और भविष्य में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश भी रखते हैं। और
इनका जितना भी मतलब कमियां होती हैं, जितना जो भी इनको ज़रूरत होती है वो हम लोग पूरा कर देते हैं, जितना हो सकता है मैं पूरा कर देती हूँ। और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कम से कम हर इंसान जो कर सकता है वो दो बच्चों को की जिम्मेदारी उठा ले, तो हमारे देश में से ये हमारे देश से शिक्षा का अभाव मिट जाएगा। रेखा जी चाहती हैं कि अगर हम सब मिलकर कम से कम दो बच्चों की जिम्मेदारी उठा लें तो इन बच्चों का भविष्य बन जाएगा और शिक्षा का अभाव भी मिट जाएगा। रेखा सक्सेना जी पेशे से टीचर नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए वो ना केवल एक टीचर हैं बल्कि माँ से कम नहीं हैं। रेखा जी का ये सराहनीय कार्य और प्रयास समाज के लिए एक मिसाल है। ऐसे टीचर को हम सबका सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स। Thank you.